तो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूं, दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से लाल किले के आसपास का जो पूरा इसका प्रांगण है, जो पार्क है, जहां जहां पर प्रदर्शनकारी पूरे ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह लेकर के यहाँ जमा हुए थे, हजारों की तादाद में थे, गाड़ियों की जो संख्या थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं पूरी तरह इसको खाली करा लिया है। और पुलिस के जवान अभी सीनियर ऑफिसर्स की भी हालांकि मौजूदगी है, दोनों तरफ जो दाएं और बाएं पार्क बने हुए हैं लाल किले के, वहां से सभी प्रदर्शनकारियों को इनके अपने अपने धरना स्थल पर जहां जहां डेमोंस्ट्रेशन चल रहे हैं वहां उन बॉर्डर्स पर वापस भेज दिया है। और किसी तरीके का रिटेलिएशन यहां लाल किले पर रात के 7 बजे के बाद से, शाम के 7 बजे के बाद से नहीं देखने में आया, और ये पूरा हिस्सा अब फिलहाल खाली करा लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट है, पूरा ITO भी और लाल किला भी इस समय खाली हो गया है सभी प्रदर्शनकारियों से और तमाम किसान आंदोलनकारियों से। ये लाल किला का चौक है जहां से एक एक करके तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वो चली गई हैं, कुछ ही जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां रह गए। लाल किला जिसकी आज गवाह पूरी दुनिया बनी, जहां पर ऊपर झंडा फहराया गया और किसानों ने एक अपना रोष प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया, तो पूरी तरीके से इस वक्त पुलिस के साथ में कुछ ही प्रदर्शनकारी किसान रह चुके हैं जो इस वक्त में मौजूद हैं। ये आपको इस समय सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। लाल किले के जो दोनों पार्क्स हैं, यानी इसके जो पार्क 1 और पार्क 2 है साथ में बने हुए, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे, तो पुलिस जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से एक एक दो दो करके बस यही चाहती है कि जल्द से जल्द लोग जो हैं वो वापस जाएं, जहाँ जहाँ प्रदर्शन स्थल हैं, जो जो डेमोंस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं, अपने अपने पॉइंट्स पर वापस पहुँचें। पूरी तरीके से अब इसको खाली कराया गया, उस वक्त की आपने तमाम तस्वीरें देखी अब से लगभग 5 से 6 घंटे पहले की। ये जो आप देख रहे हैं रैम्पर्ट के पास तक का वो हिस्सा था जहाँ ऊपर तक उस समय चढ़े थे और उसके बाद फिर झंडा किसानों ने फहराया था। कुछ एक ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जो बाकी रह गई हैं, बाकी लगभग सभी अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर, जैसा बताया गया है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हो, चाहे गाजीपुर में जाने वाले हैं वहाँ पर निकल चुके हैं, उसके साथ साथ सिंघू और जो लोग लौटे टिकरी बॉर्डर हैं वो वहाँ भी चले गए। यहाँ से इतना पैर रखने की उस समय जगह नहीं थी जिस वक्त की वो हालत थी। और पूरे लाल किले का आपको ये मंजर देर रात में इस समय दिखा रहा हूँ। अभी लगभग कितने लोग होंगे और अंदर की तरफ में कुछ बता सकते हैं आप लोग, लगभग कितने लोग होंगे? 200 लोग। अच्छा, ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह कितनी होंगी पाजी, कुछ बता सके? अनगिनत है जी। तो जो लोग, आप लोग अपने अपने वापिस जो प्रोटेस्ट साइट्स हैं, धरना स्थल है, वहीं वहीं वापिस जा रहे हैं? हाँ जी। अब क्या मुतालबा कर रहे हैं? क्या जा रहे हैं, कुछ रहेंगे? मोदी ने जहां तक जोर लगाना था, जहां तक भी पूरी पावर ने वो जोर लगा लिया, लेकिन खालसे ने झंडा चढ़ा दिया, क्योंकि साडा हक भी है, असीं इह देश दे रखे, कि सानू लोकतंत्र है, सानू हक भी है जी दा, है ना, सानू हक है इहदे चढ़न दा। तो परमात्मा ने कृपा की, सब ने मेहनत की, पल्ले पई। मैं दिखा दूं कि ये ट्रैक्टर्स जो है ये अभी भी जाते हुए, नहीं मैं आप लोगों से बात करूंगा एक मिनट, ये ट्रैक्टर्स वगैरह एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं चांदनी चौक के सामने से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए थे, कुछ उपद्रवी भी आ गए थे, क्योंकि आप लोग तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ट्रॉलीज लेके चल रहे थे, ट्रैक्टर लेके चल रहे थे, क्या मुझे आप बता पाएंगे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उपद्रवी घुस गए थे? पार्टी अलग अलग होते हैं लोग, ऐसे भी शरारत वगैरह बोलो ऐसे आ जाते हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक से कर रहे हैं, 5-6 महीने से कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे आ जाते हैं शरारत, क्यों राजनीति या पॉलिटिक्स बहुत कुछ कर देते, बहुत कुछ कर देती जी। तो अभी आप लोग अपने अपने पॉइंट्स पे जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं सरदार जी, कुछ बता सके हैं? तो बाकी किसान लोग, आप लोग कहाँ से जा रहे हैं? वहाँ हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं और सिंघू बॉर्डर से। हाँ। अभी हमारे बंदे और आ रहे हैं, आप लोग की जो और बुजुर्ग थे और भी बाकी लोग थे उनका, बुजुर्ग हमारे साथ सभी साथ में। मैं दिखा दूँ अभी एक आध ट्रैक्टर और भी है जो अंदर आने को है, अंदर से जितने हैं लाल किले के प्रांगण में से उनको भेजा तो जा रहा है, बाहर निकाला तो जा रहा है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ आने की इजाजत बिल्कुल भी अब नहीं है। कोई उपद्रवी नहीं घुमा, सारे देशभक्त लोग घुसे थे, सब किसान घुसे थे, और किसानों के बच्चे, पुलिस वालों ने, फौज ने हमारा पूरा साथ दिया, ठीक है जी, किसी ने कोई दंगा फसाद नहीं करा, किसी ने कोई गलत मैसेज दिया। और ये जो जी न्यूज और ये धोखे वाले पत्रकार जो ये बातें फैला रहे हैं झूठी मूठी के, हाँ जी यहाँ पे जी फलाना झंडा कर दिया, तिरंगा है, कोई अपना नहीं हुआ, तिरंगा जो भारत देश की शान थी, शान है, शान रहेगा, बिल्कुल हमने तस्वीरों में देखा है, हम मौजूद थे, तिरंगा अपनी जगह जहाँ था लाल किले की प्राचीर पर, तिरंगा जहाँ था वो अपनी जगह हमने भी देखा है, जवानों ने पूरा साथ दिया है। अगर जवानों का साथ ना होता तो यहाँ पे कलेश ज्यादा हो सकता था, जवानों ने
एक ड्यूटी के तहत जो निकल के सारा काम जो है बढ़िया करा है, बहुत कोई भी गलत काम नहीं हुआ यहाँ पे। और आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनमें बड़ी तादाद किसान परिवारों से आने वाले ये वो लोग हैं जिनके यहाँ खुद के यहाँ खेतियाँ होती हैं। लेकिन आज जब हालात ऐसे पैदा हो चुके कि जिस सामने की तरफ ये तस्वीर आ रही है, तो देखते हुए पूरी दिल्ली के अंदर जिस जिंदाबाद 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 समय है और आप लोग लाइव इस समय देख रहे हैं अलग अलग किसानों की यूनियन के बैनर तले ये लोग आए हुए हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की तरफ को यहाँ से अब ये लोग रवाना हो रहे हैं। और हम चलेंगे आपसे चंद लम्हों में आईटीओ, जहाँ पर कि आप लोगों को दिखाऊंगा तस्वीर कि वहाँ अब 5-6 घंटे गुजर जाने के बाद क्या हालात हैं। ये ट्रैक्टर्स जो हैं, ये ट्रैक्टर्स यहाँ से अब वापिस सिंघू बॉर्डर की तरफ को जा रहे हैं। तिरंगे का शान ऊंची रहे, तो यही लाल किले के बाहर यहाँ बिल्कुल ये कह रहे हैं तिरंगे की शान जो है ऊंची रहे, यानी तिरंगे की आन बान शान में कोई फर्क कमी कर देंगे तिरंगे के लिए। तिरंगा हमारी जान है, हम तिरंगे के लिए जान दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये लोग अब अपने अपने जगहों पर जहाँ जहाँ इनके प्रदर्शन स्थल है वहाँ वापिस जा रहे हैं। सारा दिन आज जो कुछ हुआ, जो तस्वीरें, जो गवाह बनी पूरी दुनिया उसकी, तो आज जिस तरीके की चीज देखी गई, कुछ लोग ऐसे उपद्रवी उठे घुसे। किसान मजदूर एकता, हरियाणा भाईचारा, आजाद नहीं भाई जी, हमने 4 महीने का रोड़ा पड़े, 4 महीने हो गए रोड़ा पड़े, हमने 4 महीने, 4 महीने से आप लोग लगातार बिल्कुल लगभग 2 से 2.25 महीना किसान के बैठे जी। हमारी हालत देखो, हम मोदी जी एक बार भी नहीं उन्हें देखता, ये गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे, क्या करे क्या नहीं करे, उसको खुद समझना चाहिए। किसने जिताया था चैनल वाले, किसको पेड़ नहीं लगा, पेड़ तो सबको लगा है, मोदी सदे सब कुछ अपनी पेड़ पे लात मार रहे हैं, किसानों पे लात नहीं मार रहे। और ये ऐसे ही जत्थे के जत्थे इसी तरह से यहाँ लाल किला के बाहर से रवाना होते हुए आप लोग तस्वीर देख रहे हैं। बिल्कुल लाल किले के बाहर का ये हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ अब तकरीबन प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया है और एक एक करके जो ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ ये तस्वीर, लाल किले के अंदर से ये लोग फिलहाल अब आ रहे हैं। आप लोग कौन से बॉर्डर से कहाँ जा रहे हैं? लंगर लाया हुआ है शंभू बॉर्डर से, उसे लंगर लाया हुआ है शंभू बॉर्डर से, उसे भी ड्यूटी बनी है जाके सिंघू बॉर्डर से जा रहे हैं, वापिस सिंघू बॉर्डर जा रहे हैं। लेट नाइट है और ये आप जाते हुए यहाँ से इनको देख रहे हैं, ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा, क्योंकि जिस समय दोपहर में हम लोग दिखा रहे थे, लाइव प्रसारण पूरा दिखाया आपको आईटीओ से, तो उस वक्त में हेड पहुंच चुका था, 12:15 के आसपास हेड पहुंच चुका था ट्रैक्टर्स का यहाँ लाल किले पर। और सोचिए कि शाम के 5:30 से 6 बज गए थे, लेकिन ट्रैक्टर्स की लाइन नहीं टूटी थी, ट्रॉलीज की लाइन नहीं टूटी थी, मुसलसल ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है वो यहाँ पहुँचते जा रहे थे। तो दिल्ली पुलिस के जवान, रिजर्व फोर्स, जो कंपनीज हैं, डीसीपी रिजर्व हो या एडिशनल डीसीपी रिजर्व हो, उन सबको यहाँ तैनात फिलहाल किया हुआ है। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की भी मौजूदगी, और जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सतीश गोलचा भी वहाँ मौजूद, और खुद स्पेशल सीपी क्राइम इंटेलिजेंस भी वहाँ पर थे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तस्वीर, एस एन श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, उन्होंने सख्ती से उपद्रवियों से निपटने के आदेश दिए हैं। आसपास के जितने भी थाने हैं उन सबको यहाँ फिलहाल लगाया गया है लाल किले पर। अब क्योंकि रात ज्यादा ढलती जा रही है, पुलिस की कोशिश है कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से प्रदर्शनकारी अपने अपने धरना प्रदर्शन स्थलों पर वापिस चले जाएं, ताकि अब और किसी तरीके का कोई उत्पाद और उपद्रव नहीं मचे। ये तस्वीर आप लोग लाल किला से देख रहे हैं, जहाँ पर ये पुलिस के जवानों की, पुलिस के अफसरान की मौजूदगी है। अब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता फिलहाल के लिए, अब इसको बंद कर दिया, बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए हैं। हालांकि उस समय बैरिकेड्स जो थे वो खोल दिए गए थे। मैं ये दिखा दूं आपको, लाल किले के पास से ही गुजर रही हैं ये ट्रॉलीज, ट्रैक्टर्स और तमाम गाड़ियां। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सिंघू बॉर्डर, वहीं से आए थे सब लोग, यहाँ से इनको फिलहाल पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो इस वक्त रुखसत कर रही है, और ये लोग अपने अपने प्रदर्शन स्थलों पर वापस
पहुंच रहे हैं, जितने भी ट्रैक्टर्स आए हुए थे। रात की तस्वीर है, सोचिए कि अब 12 बजने में कुछ ही देर मिनट बाकी हैं, आधी रात का वक्त है। ये तमाम जवान आज जिन्होंने के सुबह में गणतंत्र दिवस समारोह में ड्यूटी की और उसके बाद रात से इनका फॉलन रात लगभग 2:30 बजे से हो गया था और उसके बाद कि वो गणतंत्र दिवस की परेड खत्म भी नहीं होने पाई थी कि अब इनको अब इस वक्त तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो सोचिए 24 घंटे का पूरा एक ऐसा समय ये गुजरा है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल 30 घंटे से भी ज्यादा का भी वक्त बता रहे हैं गुजरा है। और ये जैसे आप देख रहे हैं एक एक करके तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो यहाँ से अपने अपने प्रदर्शन स्थलों पर जो कि इनके डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट्स हैं वहाँ जा रहे हैं। ज़्यादातर इनमें गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर के हैं जो अपने अपने डेस्टिनेशंस पर वापस पहुँच रहे हैं। लेकिन जिसका गवाह आज पूरी दुनिया बनी, पूरा सारा देश राष्ट्र बना के ऊपर जो लाल किले की प्राचीर है वहाँ पर ऊपर तिरंगा जो झंडा जिस जगह प्रधानमंत्री अपना संबोधन देते हैं ठीक उस जगह पर जाकर के तिरंगा हटाकर किसानों ने अपना झंडा फहराया। ये लाल किले की वो तस्वीर है जो इस वक्त रात के अंधेरे में फिलहाल धुंध की वजह से धुंधली पड़ रही है, लेकिन लगभग इस वक्त पूरा जो अंदर का हिस्सा है वो तकरीबन खाली हो गया है। लाहौरी दरवाज़ा उससे लोग दाखिल हुए थे। तो फिलहाल ये एक तस्वीर आपको इस वक्त लाल किले की दिखा रहा हूँ जहाँ आपको एक टाइम क्योंकि घड़ी में तकरीबन 12 बजने के आसपास का समय है और ये आप लोग देखिए पुलिस ने इस वक्त इसको खाली करा लिया। उनको समझाया जा रहा है, जो किसान नेता हैं अलग अलग यूनियंस के उनसे बात की गई है क्योंकि इतने राउंड बैठक होने के बावजूद, इतने डायलॉग्स होने के बावजूद आखिर वजह क्या रही कि जो इतना ज़्यादा उत्पात मचा, इतनी तोड़फोड़ हुई, इतने लोग चोटिल हुए और एक शख्स की जो आपने देखा एक्सीडेंटल डेथ भी हुई। तो कुल मिलाकर के ये सब हुआ कैसे, ये अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। और दूसरी बात, जो किसान नेताओं ने वादा किया था, पुलिस के सीनियर अफसरों को जो वादा किया था, लिख करके दिया था कि हम लोग जो आप लोग रूट बता रहे हैं उन्हीं रूट्स पर रहेंगे, बावजूद इसके उन रूट्स पर क्यों नहीं गए और क्या वजह थी कि गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो, उन पे बताए गए रास्तों पे जो जिसपे मुआहदा हुआ था, तयशुदा रास्ते थे, उन पर क्यों नहीं अपनी ट्रैक्टर परेड को निकाला। इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हुलीगंस होते हैं, हुड़दंगी उपद्रवी होते हैं, उनका कुछ ना कुछ जरूर हाथ होगा। उन्हीं के मंसूबे थे कि जिस तरह से लाल किले तक पूरे रास्ते को आकर डिस्टर्ब किया, तोड़फोड़ की, पुराने PHQ के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको नहीं छोड़ा, जो जवान ड्यूटी कर रहे थे, बैरिकेड समेत पूरे ट्रैक्टर से ट्रॉली से उनको उड़ाया गया। दिल्ली पुलिस के जो PRO हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि 86 जवानों के अब तक जख्मी होने की खबर आ चुकी है, जिनमें के 9 पुलिस के जवान, उनमें सीनियर अफसर भी शामिल हैं, ज्यादा इंजुरीज हैं। अलग अलग अस्पतालों में जिसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और दूसरे जो हॉस्पिटल हैं उनमें फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। तो पूरे तांडव उपद्रव और तोड़फोड़ के बाद में, आंसू गैस, लाठीचार्ज और पथराव के बाद में, एक शख्स की मौत के बाद में आप सोचिए तो लगभग 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। और इस समय ITO के चौक पर हम मौजूद हैं जहां आज लगता था कि एक ये युद्ध भूमि बना, ये पूरा चौराहा गवाह बना जिसकी तस्वीरें सारी दुनिया में गईं। और ये रास्ता अब थोड़ी ही देर पहले खोला गया है जो कि विकास मार्ग से ITO की तरफ रास्ता जो आने वाला है वहां से गाड़ियां इस समय पहुंच रही हैं। रात जैसे जैसे बीत रही है और ये इधर से रास्ता विकास मार्ग ITO से होता हुआ लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है, जबकि दो रास्ते पूरी तरह से पुलिस ने ब्लॉक किए हुए हैं। इंडिया गेट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाला ये वो रास्ता है जहां पर के सबसे ज्यादा दोपहर में देखा गया था टकराव जो हुआ था, जो स्थिति पैदा हुई थी, आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए थे, पथराव के बाद में बोतलें, आगजनी की जो वारदात हुई, वो सब जो है इस तरफ सबसे ज्यादा हुई थी। तो मैं दिखा दूं आपको, ये जो स्काई वॉक बना हुआ है यहां से सीधा रास्ता जो तिलक मार्ग थाना है और साथ में मथुरा रोड होता हुआ है उसको बंद कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। पुराने PHQ के बाहर की ये तस्वीर आप लोग इस समय देख रहे हैं जिसके बिल्कुल विपरीत 5 घंटे पहले के जो हालात थे वो अब फिलहाल सामान्य नजर आ रहे हैं। और इसी रास्ते जहां से आप ये बस और ऑटो जाते हुए देख रहे हैं, बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज से लाल किला तक तमाम वो प्रदर्शनकारी और
उनके बीच में उन किसानों के आंदोलनकारियों के बीच में उपद्रवी मौजूद थे जो कि लाल किले तक चढ़े और वहां जाकर के उन्होंने किसानों का झंडा था उसको फहराया। ये मैं आपको दिखा दूं जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाला रास्ता है, फिलहाल इसको पूरी तरह से बंद किया गया है। नई दिल्ली स्टेशन और कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाला भी यही रास्ता है। और जैसे आपको बता रहा था, पूरी जो पुलिस की गाड़ियां थी वो तोड़ी, तो गाड़ियां हैं उनको तोड़ दिया गया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। ये एक DTC की बस को खड़ी हुई दिख रही है, पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई है। और राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की दर्जनों बस हैं जिनको की तोड़ फोड़ की जिनमें की गई है। पूरी तरह इसकी विंडोज, रियर ग्लास, बैक ग्लासेस सब कुछ तोड़कर खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की रिजर्व कंपनीज के अलावा जो आसपास के जो थाने हैं उनकी पुलिस फोर्स और साथ में BSF के जवान, CRPF के जवान और अलग अलग पैरामिलिट्रीज को लगाया गया है। अर्धसैनिक बलों की, पैरामिलिट्री की, जैसे होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश आया उसमें बताया गया कि 15 कंपनियां और CRPF की लगभग 10 कंपनियों को अब आगे के लिए तैनात किया गया है। ये पूरी रेलिंग जो उस वक्त हमारे लाइव ऑपरेशन में आप लोग दोपहर से देख रहे थे, ये वो तस्वीर है जहां इसको पब्लिक प्रॉपर्टी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। ये पूरी रेलिंग यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ तक जो जाने वाला रास्ता है फिलहाल उसको बंद किया गया है और वहां मिडिल लेन को तोड़ दिया गया है। आसपास के थानों को, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो या फिर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हो, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, आसपास के जो एडजॉइनिंग थाने हैं उनको बुलाकर के यहां पर तैनात किया गया है पैरामिलिट्री के जवानों के साथ में। तो जो स्थिति थी दोपहर में उसके फिलहाल विपरीत है। हालात पूरी तरह से इस समय काबू में है और इक्का दुक्का गाड़ियां जो निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी फिलहाल ये रोड नहीं खोला गया है। नई दिल्ली जिला की तरफ, इंडिया गेट की तरफ तिलक मार्ग के रास्ते जाने वाला रास्ता पूरा अभी बंद है। मथुरा रोड की तरफ जो कि प्रगति मैदान से होते हुए पुराने किले को जाने वाला रास्ता है, निजामुद्दीन जाने वाला रास्ता है, अभी फिलहाल उसको भी बंद किया है। दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक इस तरह से बसेस लगाई हैं और इन बसेस की कई लेयर्स लगाई हैं। ये तो आप देख रहे हैं, इसी तरह की स्काई वॉक आप सामने की तरफ देख रहे हैं जहां पीछे भी बसेस को तीन तीन लेयर्स में लगा करके बैरिकेडिंग की गई है और उसके पीछे कंक्रीट के बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं ताकि कोई भी अब इधर से नहीं गुजर सके। और यहां से इंडिया गेट की तरफ जाना चाहते थे वो वहां नहीं पहुंच सके। पुलिस की ये मौजूदगी अभी भी जाहिर करती है कि खतरा कोई टला नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनके बीच में जो हुलीगन्स थे, हुड़दंगी थे, उन्होंने आकर के हंगामा किया, तोड़फोड़ की, गाड़ियों में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो उससे कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर किस पॉइंट पर फेलियर रहा और इतने लेवल टॉक्स होने के बाद, इतने लेवल बात करने के बाद जो रूट तैयार किया था वो सब कहां आकर के फेल हुआ, ये एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल ये तमाम टूट फूट और पूरी तरह से चकनाचूर हुई गाड़ियां, पुलिस के व्हीकल्स, सब जाहिर करते हैं कि इसमें लैप्स जरूर रहा है। कोऑर्डिनेशन कहां टूटा और उन किसान आंदोलनकारियों के बीच में आखिर ऐसे कौन से उपद्रवी थे, ऐसे कौन से वो लोग थे, हुड़दंगी थे, गुंडे घुसे थे कि जिन्होंने इतना बड़ा तांडव मचाया और पूरे ITO के इलाके में, नागलोई के इलाके से खबर आई और अलग अलग जिलों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से खबर आई कि जो तयशुदा रास्ता था, यानी जिस रास्ते को तय किया गया था, बताया गया था, उस रास्ते पर ना जा करके दूसरे रास्तों को अपनाया और जबरन गाड़ियों को, अपने ट्रैक्टर्स को, ट्रॉलीज को लेकर के घुसे और पूरे प्रोसेशन में हंगामा आराई करते रहे। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। आपको बताया कि MHA की तरफ से भी आदेश इस बात का आया हुआ है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए, जिसको कि पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है और अपने मातहत अफसरान को भी इस चीज़ की इजाज़त दी है। तो सीनियर पुलिस ऑफिसर, अलग अलग कई डिस्ट्रिक्ट के DCPs हैं, ज्वाइंट कमिश्नर्स हैं, उन तमाम को इस वक्त भी ITO पर फिलहाल पुराने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लगाया गया है। घंटों तक तांडव चलता रहा और ये जो आपको जगह दिखा रहा हूँ ये वही जगह है जहाँ हमने अपना जब लाइव शुरू किया था तो उसी वक्त में तेजी से, बेहद स्पीड से ट्रैक्टर्स जो हैं वो ITO की तरफ से इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ दौड़ते हुए आए और पुलिस के यहाँ बैरिकेड्स थे। बैरिकेड्स को उखाड़ने की कोशिश की गई, पुलिस के जवानों ने रोकना भी उस वक्त बराबर चाहा लेकिन वो नहीं हो पाए था। जिसकी डेथ हुई है ये जगह वही आपको दिखा पा रहा हूँ जहाँ पर कि किसान यूनियन फ्लैग लिखा हुआ है
ये बाद में यहाँ पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम पहुँची और ये तमाम डीजल गिर गया था। और उसके बाद में जितने भी संगठन के किसान थे, जो आंदोलनकारी किसान थे, वो यहाँ से बॉडी को उठा करके लेकर गए थे। हालांकि बहुत शुरू में खबर ये चलाई गई, कुछ चैनल्स ने भी इसको चलाया कि किसान की जो मौत है वो गोली लगने से हुई है, लेकिन क्योंकि हम उस वक्त में मौजूद थे जिस वक्त ये हालात हमारे सामने पेश आए थे, और पूरी तरीके से मेरे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी भी उस वक्त यहाँ थे, उनकी भी कमेंट्री चल रही थी और मेरा भी लाइव शुरू हुआ था। तो ये एग्जैक्ट वो जगह है जिसको अब रात के इस पहर में आप लोग देख रहे हैं, जहाँ हज़ारों की तादाद में दोपहर में इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है, यहीं इसके आगे आम आदमी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस है और यहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी दफ्तर है, बिल्कुल ऐन उससे पहले यहाँ पर ये हादसा हुआ था। इस जगह पुलिस की डबल बैरिकेडिंग लेयर थी, यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतनी स्पीड में थे, इतना ओवर स्पीड था उस वक्त में ट्रैक्टर कि उनको रोक पाना मुश्किल था। तभी एक जवान ने जैसे ही बैरिकेड को आगे किया तो उसके उलझन में आ गया, उलझ गया बैरिकेड उसके टायर्स में, क्योंकि व्हील्स बड़े होते, टायर्स ट्रैक्टर के बड़े होते हैं, और यहाँ अचानक गिरते ही हमारे आंखों के सामने ही पलक झपकते ही उस वक्त किसान की मौत हो गई थी। तो इस वक्त की जो पूरी स्थिति है वो आप लोगों के सामने हमने पेश की, आप लोगों ने इस पूरी खबर को देखा, लाल किले का हिस्सा हो या फिर आईटीओ का जो रामचरण अग्रवाल चौक है वहाँ की आप लोगों ने खबर देखी। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, रात के इस पहर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया, आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। लाल किले से आप लोग जुड़े, थैंक यू फॉर नाउ।